हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज मैं आपको स्वागत करता हूँ क्रिएशंस में। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ कैरियर डेवलपमेंट के ऊपर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कैरियर डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है, कितना कुछ हो सकता है उसमें, क्या क्या उसमें कैसी कैसी चीज़ें रहेंगी। तो आज हमारे साथ एक गेस्ट भी हैं जिनका नाम है आंचल मैम, तो आंचल मैम के साथ डिस्कस करते हैं, आइए। बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी इसे लाइक कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, वो कैसी हैं, क्या करती हैं, उसके बाद थोड़े से एक छोटा सा टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। या हाउ आर यू? ओके, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज। या माय नेम इज आंचल गुप्ता एंड आई डिड माय एमबीए फ्रॉम कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। ओके, तो अभी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहे हो? Actually, it's time to over of my training session. So waiting for the post. Okay. तो इसका क्या आगे क्या ग्रोथ है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में? ऐसे जैसे आप देख सकते हो अभी कोविड चल रहा है और लॉकडाउन भी चल रहा है, तो आगे क्या ग्रोथ है इसकी, कैसे लोग मतलब इसको पॉजिटिव लेके चले आगे? लाइक मुझे जो ट्रैक मिला है वो स्पार्क एज्योर का मिला है, मींस एक डेटा से रिलेटेड है। तो आप किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे काम करते हो? या स्पार्क लाइक एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट का एक एज्योर प्रोडक्ट है, उस पर एक सर्वर है, उस पर काम कर रहे। ओके, तो ये विंडोज बेस्ड होगा? यस। तो कौन सा बेटर रहता है, विंडोज बेस्ड या लिनक्स बेस्ड? नहीं नहीं, इट इज लिनक्स टू बेस्ड टू, वी कैन यूज इट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ओके, इट कैन बी यूज्ड ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ओके, तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर आजकल लॉकडाउन में जो चल रहे हैं, जैसे भी आप देख ही रहे हो जितने भी वर्क फ्रॉम होम अभी लोग यूज कर रहे हैं, मतलब घर पे घर से काम कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है या ऑफिस जॉब इज मच बेटर? लाइक कंपनी पर्सपेक्टिव से देखें तो वर्क फ्रॉम होम ज्यादा बेटर है, क्योंकि फॉर दैट एम्प्लॉइज आर मोर कंफर्टेबल एंड दे कैन परफॉर्म मोर बेटर देन व्हेन कमिंग टू कंपनी। हाँ, अच्छा है ना, खर्चा भी कम होता है और सैलरी भी पूरी आ जाएगी। नहीं सैलरी नहीं, अगर हम नहीं, एम्प्लॉइज को ज्यादा काम करना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि लाइक अगर जैसे कि ऑफिस में हम जाते हैं तो 9 to 6 का काम है, तो 9 to 6 ही करना है। ओके, बट वहाँ पर दे कैन से दैट यू आर एट होम, यू कैन डू एनीथिंग, तो आप कर दो ये वाला काम और कर दो, तो 6 to 7 भी हो जाते हैं। बट अगर हम ऑफिस में हैं तो ऐसा नहीं कर सकते हम। 6 बजे ऑफिस में हम थोड़ा सा फ्री बैठ सकते हैं, पर घर पे तो फ्री भी नहीं बैठ सकते, ज्यादा वर्कलोड घर पे ज्यादा रहता है, और इवन की हमें फिर संडे को भी काम करना पड़ता होगा। संडे को हाँ वो दे देते हैं। हाँ, आपको ये करना है, ओके मंडे को आप ये प्रिपेयर करके दे देना हमें, तो फिर मंडे को देना है, तो फिर हमें वीकेंड से काम करना पड़ता है। तो क्या लगता है आपको, मतलब ये आगे के आगे लॉकडाउन में सॉफ्टवेयर जितने भी अपने इंजीनियर्स हैं, वो अगर ऐसी लॉकडाउन चलता रहा तो वो फेड अप नहीं हो जाएंगे फिर इन फ्यूचर में? सॉफ्टवेयर जितने भी अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, अगर ऐसे ही लॉकडाउन चलता रहा तो वो फेड अप हो जाएंगे फिर, तो कहीं तो उनको 9 to 6 काम करना था, अभी उनको एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ रहा है। अब ये तो फिर उनकी ग्रोथ भी तो उस हिसाब से हो रही है ना, दे कैन से नो टू देम के ऑफिस टाइम है खत्म हो गया। अच्छा, लीनियंसी बेसिस पे वो कर देते हैं। तो फिर उनको तो मतलब जैसे तो जो मैंने सुना है जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितने होते हैं उनको फॉरेन प्रोजेक्ट्स भी उनको मिलते रहते हैं, तो अभी क्या फॉरेन में भी काम चल रहा है एज इट इज? हाँ, फॉरेन में भी ऑनलाइन ही चल रहा है मोस्टली, सब जगह पे मतलब नॉर्मल ही है, जो जैसे आप पहले कोऑर्डिनेट करते थे वैसे ही आप अभी भी कोऑर्डिनेट करते हैं? ओके, ठीक है, और बताइए कुछ इसके बारे में, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ सजेशंस वगैरह कुछ भी। ओके, सो देयर आर सो मेनी लाइक प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हैं, वी कैन यूज जीरा सॉफ्टवेयर आल्सो, ओके,
advertisements over the YouTube and other websites. Okay. The benefits of Jira are we can upload the progress of a candidate or employee. Okay. What he has learned and what far he can. जैसे वो payroll softwares होते हैं वैसा आप कह रहे हो? Payroll software जैसे वो employee का सब कुछ data रहता है उसमें कि वो कब उसने punch किया, कब punch out किया, क्या क्या उसकी back history है, क्या क्या उसने work किया, ऐसा कुछ? हाँ ये भी होता है बट ये थोड़ा हाँ जीरा एक सॉफ्टवेयर इसी टाइप का है okay. तो हमें ये सब प्रोवाइड कराता है. तो जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो आपको इंटरनेट बेस्ड मतलब एक्टिविटी करनी होती है या ऑफलाइन एक्टिविटी होती है आपकी? सर सर्वर पे काम होता है तो इंटरनेट तो चाहिए ही. ओके तो फिर घर पे तो इतना फास्ट इंटरनेट होता नहीं है किसी के पास जितना ऑफिस में होता है, तो फिर कैसे मैनेज करते हो? प्रॉब्लम्स आती है बट मैनेज तो करना ही पड़ता है. ओके तो फिर इसमें क्या मतलब है? जैसे एक मतलब मैं पहले जियो में था तो जियो में सिट्रिक्स सर्वर वो यूज करते थे हम लोग प्लेटफॉर्म. तो इसमें भी आप किसी बाहरी जो डेटाबेस से कनेक्ट करते हो जैसे वीपीएन हो गया या सिट्रिक्स हो गया ऐसा कुछ समथिंग? नहीं ऐसा तो नहीं करते. डायरेक्टली चल जाता है. ठीक है अगर आपको कुछ पूछना है तो कैन आस्क. So what you did what is the channel of your YouTube channel? My YouTube channel name is Anna Creations. Okay. मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और ग्राफिक डिजाइनर हूँ बट मुझे मतलब कैरियर पे कुछ बनाना है कि जो लोग अभी घर पे बैठे हैं और उनको कुछ गाइडेंस ले तो सो डेट वो कैन कुछ कर पाए उस हिसाब से मैंने ये चैनल शुरू किया था. नॉट फॉर मोनेटाइजेशन और समथिंग एल्स जस्ट फॉर गाइडिंग मैम कि मैं कहीं ना कहीं से उनको कुछ हेल्प कर पाऊँ कि आप कैसे काम कर सकते हो कैसे कुछ सीख सकते हो. आपको लिंक भेज देता हूँ मेरे चैनल का. मैंने उस पर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज भी डाले हुए हैं इलस्ट्रेटर ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह भी मैं उसमें सिखाता रहता हूँ और कुछ मोटिवेशनल वीडियोज भी मैं उसमें डालता रहता हूँ. तो इसी बेसिस पे मैंने ये कैरियर गाइड एक ऑप्शन चुना था कि जो लोग अभी घर पे बैठे हैं या जो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं तो उनको उनके ही इंटरेक्शन करके मैं कुछ आगे लोगों को प्रेजेंट कर पाऊँ कि वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं. चाहे वो मेरे कोर्सेज देखें फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है, नोबडी इज चार्जिंग ऑन यूट्यूब. मैं आपको भी लिंक दे देता हूँ आप देख सकते हो. बिग डेटा में ज्यादा ग्रोथ हो रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डिजिटल मार्केटिंग में कैसा चल रहा है? अभी लोगों में मैंने जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के तो बहुत ही मिक्स एंड मैच है. लोग मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना कंफ्यूज हैं कि उनको यही नहीं समझ आ रहा कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएं, सॉफ्टवेयर में जाएं, हार्डवेयर में जाएं. इवन कि मतलब जॉब्स एज यू नो कि लॉकडाउन है, नॉर्मल जॉब्स तो किसी के पास नहीं है. ठीक है जॉब मिल गई फिर लॉकडाउन लग गया सैलरी भी कट गई और भी कट गई तो सब लोगों का डावाडोली हो रहा है कि हम लोग एक्चुअली में अगर हमारा करियर है तो किस में है बेसिकली. तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क फेस करने को मिल रहा है और इसी वजह से मैंने ये चीज सोची कि अगर लोगों को सब अगर हम मेरे नियर बाय लोगों में इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड में तो इससे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी लोगों को. क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ लोकल में तो है नहीं कि 10-12 किलोमीटर में ये लोग फेस कर रहे होंगे, ये तो वर्ल्ड वाइड चल रही है कोविड की. तो मतलब मैंने ये चीज ऑप्शन की. कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो. मैं ये पूछना चाहती हूँ डिजिटल मार्केटिंग जो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल देता हूँ उसमें आप जल्दी समझ जाओगे. आप फोन यूज करते हो राइट सपोज करो आपने अमेजोन पे एक रिस्ट वॉच सर्च की ठीक है और आपने उसको लेना नहीं था जस्ट आपने देखा और उसको बाद प्राइस वाइज देखे और उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो देखी और आपने बंद कर दी. थोड़ी देर बाद आपने फेसबुक या यूट्यूब या कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना शुरू किया इवन लिंक्डइन राइट. तो उसी पे आपको वही इमेज वही सेम रिस्ट वॉच आपको दिखने लग जाती है. ओके तो ये एफिलिएट मार्केटिंग दिखती है वो आपको कभी वो दिखती है आपको सेम प्रोडक्ट वहां पे दिखता है? दिखता है. तो दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग. दिस इज नॉट कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग. दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग. जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है वो पेड है वहां पे इसलिए दिख रहा है.
तो इसमें दो तीन चीजें होती हैं, या तो पेड हो, पेड वो होगा जो आपने देखा वो खुद से दिखेगा, जो ऑर्गेनिक होता है वो आप सर्च करोगे उसके बाद आपको दिखने लगेगा। जैसे आपने अमेजोन पे खुद सर्च किया कि मुझे रिस्ट वॉच चाहिए, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मार्केटिंग। जो पेड वाली होती है वो आपको एक बार आपने ऑर्गेनिक में देख लिया, उसके बाद आपको फेसबुक, ट्विटर, गूगल, जहां पे भी आपने आपने कुछ सर्च आपने किया भी नहीं है फिर भी उसकी एड दिख रही है आपको, दिस इज कॉल्ड पेड मार्केटिंग। तो ये दो पैरामीटर होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। ओके जी, जैसे कि आप कभी YouTube देखते हो तो YouTube में एडवर्टीजमेंट्स आती हैं बीच में, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ओके सर, एनीथिंग एल्स? ओके, लेट्स कीप इन टच इन फ्यूचर ऑल्सो। ओके, थैंक यू। थैंक यू।